पंजाब को तो बिल्कुल अलग ही कर रहे हैं मोदी से, तो मोदी तो किसी हाल में भी नहीं आएगा पंजाब से। तो गवर्नमेंट इतना डर रही है पंजाब से, पूरा बॉर्डर सील कर दिया, बैरिकेड इतने बड़े बड़े लगा दिए, आंसू गैस के गोले बरसा रहे ड्रोन से, बहुत कष्ट अपनी तरफ से पूरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसान रुकने वाले नहीं है, वो भी पूरी तैयारी से आए हैं, आएंगे तो अंदर ही आएंगे। आज तक ऐसी कोई मुसीबत नहीं बनी जो सरदारों को और सिखों को किसानों को रोक सके, कोई नहीं रोक सकता, और जो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। जितने उन्होंने बैरिकेड लगाए ना, उससे ज़्यादा वो मिट्टी की ट्राली लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी डालेंगे, ऊपर से आएंगे रैंप बना के अपने अलग से, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर, कम से कम 100-150 ट्रैक्टर ट्राली भर मिट्टी की भर के लेके आ रहे हैं वो। तो बैरिकेड के ऊपर ही मतलब मिट्टी डाल के फ्लाईओवर जैसा बना देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल के ऊपर से आएंगे। सरकार तो सिर्फ रोड बंद कर रही है, हरियाणा बॉर्डर में जितने भी किसान हैं उन्होंने बोला कि हमारी जमीन खुली है, खेतों के अंदर से जाओ, जिधर भी जाना है खेतों के अंदर से आ जाएंगे, पर दिल्ली में तो आके ही रहेंगे वो। 2000 ट्राली ट्रैक्टर तो अकेले पंजाब से आ रहे हैं, और बाकी हरियाणा अलग है, यूपी से अलग आ रहे हैं, सारे किसान आ रहे हैं। तैयारी लंबी करके आ रहे हैं, पूरी लंबी तैयारी, अपना खाने का 6 महीने का अभी राशन आ चुका है, बाकी का जरूरत पड़ेगी तो अभी और आएगा। पूरी तैयारी है, फुल तैयारी करके आए, बॉर्डर पे सब कुछ खेती करेंगे, यही उगाएंगे, यहीं पे खाएंगे, सब कुछ यहीं बैठे रहेंगे। जब कभी भी इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं पे हड़ आ जाता है, कुछ भी आता है, तो किसान सबसे पहले लंगर लगाते हैं वहाँ पे, अनाज लेके जाते हैं, और जब किसान अपने हक की मांगे मांग रहे हैं तो उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पंजाबी कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, अगर वो ड्रोन से हमला कर रहे थे, आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे, तो किसानों ने पतंग से ड्रोन को गिरा लिया नीचे। अभी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, दिल्ली तो आएंगे ही आएंगे किसान। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। 2024 का चुनाव में सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं, तमाम लोगों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्या क्या लोगों का कहना है और क्या इस बार देश का मूड है। क्या नाम है बाजी? मेरा जगदीप सिंह। जगदीप सिंह जी पंजाब के रहने वाले हैं? हाँ जी, पंजाब अमृतसर। तो दिल्ली में अभी रहते हैं या घूमने आए हैं? नहीं, घूमने आए अभी तो जी। कैसी लगी दिल्ली आप? दिल्ली बढ़िया, दिल्ली तो वैसे तो बनती नहीं हमारी शुरू से दिल्ली से, पर घूमने के लिए बढ़िया है। अच्छा, तो दिल्ली से बनती नहीं, वो तो आपके इतिहास में भी रहा है काफ़ी, पर अब दिल्ली में मोदी सरकार जो है उसका फिर से एक बार परीक्षा आने वाली है, 2024 का चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है पंजाब के लोगों का इस बार? पंजाब के मूड का आपको पता ही, सबको जैसे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, अब भी किसानों पे इतने दो आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं, इतने बैरिकेड बना रखे, एक हिसाब से बॉर्डर बना दिया नया, पंजाब को तो बिल्कुल अलग ही कर रहे हैं मोदी से, तो मोदी तो किसी हाल में भी नहीं आएगा पंजाब से। तो जी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी है लोगों को, क्यों बॉर्डर पे आना पड़ा, क्या क्या ऐसी वजह? जो किसानों की मांगे हैं, जो किसानों की मांगे हैं, उन्होंने बोला था, जो पहले जो धरना होता किसानों पर, इतने किसान मरे, उनको अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, और जितनी भी मांगे थी किसी की कोई मांग नहीं पूरी हुई, इसलिए दोबारा धरने पर आना पड़ रहा है इनको, और इसीलिए उनको पता है गवर्नमेंट इतना डर रही है पंजाब से, पूरा बॉर्डर सील कर दिया, बैरिकेड इतने बड़े बड़े लगा दिए, आंसू गैस के गोले बरसा रहे ड्रोन से, बहुत कष्ट अपनी तरफ से पूरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसान रुकने वाले नहीं है, वो भी पूरी तैयारी से आए हैं, आएंगे तो अंदर ही आएंगे। लग रहा है दिल्ली पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे बिल्कुल पहुंच जाएंगे, क्योंकि बैरिकेड तो अभी निकाल ही रहे हैं वो धीरे धीरे। सरकार ने तैयारी तो पूरी कर दी है, गाड़ियां लगी हैं, बैरिकेड्स लगे हैं, कटीले तार लगे हैं, तीन तीन लेयर पे प्रोटेक्शन है, आपने देखी होंगी वीडियोस फोटोज में, तो आपको लग रहा है रुकेंगे या फिर पहुंचेंगे? आज तक ऐसी कोई मुसीबत नहीं बनी जो सरदारों को और सिखों को किसानों को रोक सके, कोई नहीं रोक सकता, और जो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे जो कोई भी हो धर्म का, जिससे भी प्यार से करते हैं, पर ऐसे नहीं। जितने उन्होंने बैरिकेड लगाए ना, उससे ज़्यादा वो मिट्टी की ट्राली लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी डालेंगे, ऊपर से आएंगे रैंप बना के अपने अलग से, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर, कम से कम 100-150 ट्रैक्टर ट्राली भर मिट्टी की भर के लेके आ रहे हैं वो। तो बैरिकेड के ऊपर ही मतलब मिट्टी डाल के फ्लाईओवर जैसा बना देंगे? ऊपर से मिट्टी डाल के ऊपर से आएंगे, नहीं तो बैरिक सरकार ने तो रोड बंद करी है ना। सरकार से ज़्यादा तैयारी किसानों की है? किसानों की है, अगर सरकार तो सिर्फ रोड बंद कर रही है, हरियाणा बॉर्डर में जितने भी किसान हैं उन्होंने बोला कि हमारी जमीन खुली है, खेतों के अंदर से जाओ, जिधर भी जाना है खेतों के अंदर से आ जाएंगे, पर दिल्ली में तो आके ही रहेंगे वो। मतलब मेन रोड जो बना हुआ है उस रोड पर सरकार के बैरिकेड है, तो आप नीचे से गुजर जाओ। नीचे से जो खेत है किसानों के, हरियाणा किसानों ने खुद बोला हुआ है कि हमारी फसल उजड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फसल के बीच में से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए दिल्ली तो पहुँच के रहेंगे, आज नहीं तो कल वो आएंगे ही आएंगे दिल्ली। कोशिश कही गई थी कि 13 तारीख को दिल्ली में पहुंचेंगे, आज 15 हो गई है, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, शंभू बॉर्डर पर है, पर आपको लगता है कि जल्द ही जो है वो बॉर्डर क्रॉस होगा, शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली की तरफ जल्दी आएंगे? हाँ, वो जैसे भी जितनी मर्जी कोशिश, थोड़ी दिक्कत हो रही है उनको, प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से, लेकिन वो दिल्ली आके ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। खाना अपना लेके आए, 6 महीने का खाना भी आ चुका है हमारा, और बाकी अभी जरूरत पड़ी तो पीछे और आ जाएगा। ट्रालियां जो भर भर के आ रही हैं, तो उसमें जो है पैक है, बाहर से तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, पर उसकी संख्या बहुत सारी है, क्या क्या है उनमें? बहुत ज़्यादा संख्या, 2000 ट्राली ट्रैक्टर तो अकेले पंजाब से आ रहे हैं, और बाकी हरियाणा अलग है, यूपी से अलग आ रहे हैं, सारे किसान आ रहे हैं। तैयारी लंबी करके आ रहे हैं?
पूरी लंबी तैयारी, अपना खाने का 6 महीने का अभी राशन आ चुका है, बाकी का जरूरत पड़ेगी तो अभी और आएगा। जैसे पहले स्टार्टिंग में कई नेता जो है वो इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे, पर अब जो है चढ़ूनी हो चाहे राकेश टिकैत, तो वो लोग भी बात कर रहे हैं कि अगर किसानों पे कोई समस्या आएगी तो हम लोग भी साथ खड़े होंगे, तो आपको लग रहा है हर बंदा धीरे धीरे करके जुड़ता जाएगा? सब आ रहे हैं, कितने किसान जितने भी आज अभी सब जुड़ रहे हैं इनके साथ, अभी धीरे धीरे पूरा पंजाब आ जाएगा इधर, कोई रोक भी नहीं पाएगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर दी रोकने के लिए, इतने रोड के अंदर कंक्रीट डाल डाल के बैरिगेड लगा रखे, वो सरिये के ना वो कील बना बना के वो लगा दिए, पर तब भी किसान नहीं रुकेंगे, आएंगे तो अंदर ही आएंगे। कई लोग जो है किसान आंदोलन को जो है ये भी कहते हैं कि बदनाम करने के लिए या फिर उनका कमेंट करने के लिए कहते हैं कि ये तो खालिस्तान के समर्थक है, इस पंजाब से क्यों आ रहे हैं, हरियाणा के किसान नहीं आ रहे, यूपी के किसान नहीं आ रहे, इस तरीके की चीज़ें कहते हैं। वाकई में ऐसा कुछ है या फिर जो लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए कहो? ऐसा सिर्फ लोग बदनाम, जब कभी भी इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर हड़ आ जाता है, कुछ भी आता है, तो किसान सबसे पहले लंगर लगाते हैं वहाँ पर, अनाज लेके जाते हैं, और जब किसान अपने हक की मांगे मांग रहे हैं तो उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इसलिए तो जब उनकी किसी को वो मदद करते तब उनके लिए किसान सबसे आगे होते हैं, किसान को अन्नदाता बोलते हैं, और जब वो अपने हक मांगता है तो उनको आतंकवादी बोलने लग जाते हैं। किसी भी तरह से कि कोई भी कमेंट कर ले, किसी को कुछ बोल ले, कुछ फ़र्क पड़ेगा या आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब जनता को भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जनता पूरी सपोर्ट कर रही है किसानों को, और किसान जल्दी थोड़े दिन में आप देखना दिल्ली के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, तैयारी है, दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली पूरी तैयारी है, फुल तैयारी करके आए हैं, वो दिल्ली को दबा पहुँच के रखेंगे, आप आके ही जाएंगे वापस, वैसे वापस नहीं जाएंगे। वो पिछली बार भी जैसे वापस तो गए थे 90 दिन के इससे ज़्यादा, यहाँ पहले जो 13 महीने के आसपास यहाँ पर बैठे रहे, उसके बाद वापस गए थे, तब मांगे तो पूरी नहीं हुई, फिर वापस आना पड़ा, तब भी इन्होंने बोल दिया था मांगे पूरी होगी पर हुई नहीं, इसीलिए उनको दोबारा आना पड़ रहा है। उन्होंने बोला था जितने किसानों की जो मर गए हैं उनको मुआवजा, सबको मुआवजा मिलेगा, पर अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, इसलिए वो दोबारा किसानों को आना पड़ रहा है। इस बार तो मंगवा के ही जाएंगे मांगे सारी, जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक वापस नहीं, तक जहाँ पे ही रहेंगे वो, पूरा अपना राशन वगैरह सब लेके आए 6 महीने का, यही रहेंगे अब, तब तक इधर ही रहेंगे, पे ही खेती शुरू कर देंगे, बॉर्डर पे सब कुछ खेती करेंगे, यही उगाएंगे, यहीं पे खाएंगे, सब कुछ यहीं बैठे रहेंगे। 6 महीने की तो ट्रॉली के अंदर है और बाकी यहाँ उगा लेंगे बॉर्डर पे, अपने आप साथ के साथ उगाएंगे खाएंगे यहीं पे बैठेंगे, जब तक वो सरकारें मांगे पूरी नहीं करती, उनकी इच्छा पूरी नहीं करती, तब तक यहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हिलेंगे नहीं। ऊपर से निकलने के लिए मिट्टी की ट्राली भी पूरी भर भर के रखी हुई है, 100-150 ट्राली है जो बैरिकेड के ऊपर मिट्टी डालेंगे और ऊपर से आएंगे। चीजें जो है बॉर्डर से बड़ी अनोखी देखने को मिली, एक जो है जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो सरदार जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने देसी जुगाड़ निकाला, गीली जो है बोरिया करके उसको डिफ्यूज़ किया कि जिस तरीके से, और एक जो वहाँ पे ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं उनको पतंगों से काट रहे हैं, ये किसी ने सोचा था ऐसा कुछ कर? ये जो किसान है जो पंजाबी है कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, अगर वो ड्रोन से हमला करते तो आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे तो किसानों ने पतंग से ड्रोन को गिरा लिया नीचे। अभी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले दिल्ली तो आएंगे ही आएंगे किसान, हर तरह की मुसीबत के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, फिर भी वो अपने पीछे हटने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट ना भी कुछ करे ना तो किसान और जो पंजाब हरियाणा यूपी के किसान है ना पूरे इंडिया को खुद खिला सकते हैं, वो बिना कुछ करे वो खुद खिला सकते हैं, पाल सकते हैं, वो इतना अनाज है किसानों के पास, इतनी उपजाऊ है जहाँ की जमीन, पर ये अभी गवर्नमेंट कर रही है दिक्कत, तो आएंगे तो मनवाएंगे ही मांगे भी अभी अपनी। ओके तो देखिए नाल से बात कर रहे थे, इन लोगों का कहना तो साफ है कि पंजाब में जो है लोगों के अंदर अब आक्रोश बढ़ रहा है, जिस तरीके से संभू बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है उसको लेकर इनका कहना साफ है कि इस बार जो है पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, 6 महीने से ज़्यादा का राशन इनके पास स्टॉक में है और आगे ये तैयारी इनकी पूरी है कि इस बार अपनी मांगे जो है मनवा कर ही जाएंगे। आप जुड़ रही है, देखते रहिए न्यूज़ टाइम, धन्यवाद, जय हिंद।